मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दैट्स अ इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज आपके लिए सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसे कि एसेंचर ने एप्लीकेशंस प्रोवाइड करी हैं जॉब एप्लीकेशंस सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट के लिए, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है 0 से 1 ईयर का और सैलरी 3,44,200 से। तो इट्स ए इम्पॉर्टेंट जॉब फॉर एवरीवन। इफ़ यू सर्चिंग जॉब्स द मार्केट, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइम आपका फुल टाइम है इसमें आपका। बेंगलुरु बहुत सारी जगह आपको दे रखी हैं इसके जॉब्स की लोकेशंस, जस्ट लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे, कोलकाता, ETC। तो इसका अप्लाई का प्रोसेस है, लास्ट डेट नहीं दे रखी अभी भी, कोई भी मैंशन लास्ट डेट नहीं है। तो ये भी बढ़िया है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। विद इन 15 डेज़ आई थिंक इसमें कट ऑफ लग जाएगा और डेट क्लोज हो जाएगी, यानी ये सितंबर में ही ऑफ कर दिया जाएगा इसका प्रोसेस अप्लाई करने का। तो लास्ट डेट जल्द से जल्द आप इसे फिल करिए। जैसे ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल देखिएगा आपका सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट का है। अबाउट एसेंचर आप पढ़ सकते हैं। रोल ओवरव्यू में आपको व्हाट वुड यू डू, आप क्या करने चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंफ्रा मैनेज सर्विसेज की जॉब्स के ऑपरेशंस हो गए फॉर ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, इन पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। मेंटेन रिलायबल एंड सिक्योर IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन क्लाउड सपोर्ट, क्लाउड सपोर्ट में मॉनिटरिंग, मेंटेन एप्लीकेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, अप्लाई टेक्निकल नॉलेज टू डायग्नोसिस, रिजॉल्व एप्लीकेशन इश्यूज, जो एप्लीकेशन इश्यूज आते हैं जिनसे इनका टाई अप होगा वो उनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको पहले ये सिखाएंगे भी, यानी इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होगी। प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज, कैसे हम सपोर्ट प्रोजेक्ट इन टेक्नोलॉजी, डिलीवर सेंटर वाइड ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक्टिविटीज़। तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखिएगा, बहुत नो कोड ऐप डेवलपमेंट है, डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग ए लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्फ़िगर सिस्टम फॉर ईच क्लाइंट यूनिक रिक्वायरमेंट। तो देखिएगा बहुत अच्छी जॉब्स के इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वालिटी इंजीनियरिंग टेस्टिंग भी आपका, टेस्ट डिज़ाइन, टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट केस, टेस्ट डेटा, इसके लिए इन्हें ज़रूरत क्या है, ये देखिएगा। इतने टाइप्स में आप जा सकते हैं, आपको जॉब और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बाद में मिलेगी, पहले आपको इसे क्रैक करना पड़ेगा। तो क्रैक करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो मिनिमम क्राइटेरिया, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, PG जो कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम BE, BTech, ME, MTech और MCA और MSc CS IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, एनी ईयर ऑफ पास आउट टिल 2024। तो ये देखिएगा मिनिमम क्राइटेरिया में ये आ रहा है। और नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑन एंड और ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग दे रखा है सभी कुछ। इसके लिए आपको अपनी डिग्रीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं आप एलिजिबल पढ़ रहे हैं और इससे शायद अप्लाई कर दें आप। मुझे लगता है ये पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। कैंडिडेट शुड हैव appeared फॉर essential रिक्रूटमेंट assessment इंटरव्यू प्रोसेस, इसमें आपका assessment होगा, इंटरव्यू होगा, प्रोसेस होगा इन द लास्ट 3 months। कैंडिडेट शुड हैव मोर देन 23 months ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस, देखिए कोई कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 23 months ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस, ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस दिखाना है। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल फॉर वर्क इन इंडिया, कहीं पर भी आपको ये भेज सकते हैं, इंडिया और इंडिया के आउटसाइड भी, आपके आसपास जो भी इनके वेल एस्टेब्लिश ऑफिसेज होंगे। तो ये तो सब इसका प्रोसेस, नीड्स किस किस में नीड्स हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो आई थिंक आप सभी एलिजिबल होंगे क्योंकि आप सभी BCA, MCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, BSc ऑल ऑफ द कोर्सेज, BA, BSc, BCom एलिजिबल के लिए आपको बता ही दिया है मैंने, ये मिनिमम क्राइटेरिया इसमें शो कर ही दिया। प्रोसेस क्या रहेगा इसका, कि जॉब प्रोसेस कैसे आप इसे पास आउट करेंगे और क्रैक करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा।
अप्लाई फॉर ए जॉब रोल, तो इसके लिए आपको मॉक असेसमेंट होंगे, जिसमें आपको यू विल गेट ए 10 मिनट्स मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट। मॉक असेसमेंट इज़ मैंडेटरी, सभी मैंडेटरी होंगे, और आपके पास इट विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट, यानी जो वो एप्लीकेशन देंगे उस पर आपको वो असेसमेंट ओपन करने पड़ेंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे, और आपके पास राइट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये आपको द असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट्स। असेसमेंट के बाद कौन कौन से असेसमेंट के टाइप होंगे, जैसे कॉग्निटिव असेसमेंट, ये होगा यू विल गेट 50 मिनट्स टू कम्प्लीट दिस असेसमेंट्स। कॉग्निटिव में क्या क्या 50 क्वेश्चंस होंगे, जस्ट लाइक इंग्लिश एबिलिटी के, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यह आपको कॉग्निटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स पोस्ट कम्प्लीशन। असेसमेंट टू होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, ये असेसमेंट इज़ मैंडेटरी एंड विल बी एलिमिनेशन राउंड, ये एक एलिमिनेशन राउंड होगा। हाउएवर टेक्निकल असेसमेंट विल बी ए नॉन एलिमिनेशन राउंड इन केस यू चूज असेसमेंट टाइप ऑफ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। द स्कोर ऑफ योर टेक्निकल असेसमेंट विल बी फैक्टर्ड इन टू ओवरऑल सेलेक्शन प्रोसेस एंड द फाइनल सेलेक्शन ऑल्सो। यू विल गेट 90 मिनट्स टू कम्प्लीट असेसमेंट, इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कॉमन एप्लीकेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूडो कोड्स, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। असेसमेंट थ्री भी दे रखा है इसमें, कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जिसमें आप सेंटेंस मैस्ट्री, वोकैब फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। यू विल रिसीव ए सेपरेट ईमेल ऑफ टाइमलाइन, लॉगिन डिटेल, पार्टिसिपेट्स एंड असेसमेंट कम्युनिकेशन, सब चीज़ों के लिए आपके पास ईमेल्स आएंगे, अपनी ईमेल आईडी, आप एक यूनिक ईमेल आईडी बनाएं उसमें, एंड देन इंटरव्यू। तो आफ्टर दैट आपका इसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो सेलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। इंटरव्यू भी शायद ये ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी बाकी सब प्रोसेस आपका ऑफलाइन है, घर बैठ के आप इसे दे सकते हैं, और आई थिंक इसे आप भरें, और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, दैट्स द गुड न्यूज़। इससे पहले मैंने विप्रो के लिए भी बताया था, और ये एसेंचर रिक्रूटमेंट, तो आई थिंक जो भी 2024 के पास आउट हैं और बिफोर दिस, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। इस प्रोसेस को देखिएगा अप्लाई करने के लिए, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और वैसे अवेलेबल है, देखिए साइट मैंने indiacampus.accenture.com/myzone में जाके एसेंचर का रिक्रूटमेंट की डिटेल दे रखी है, देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मोटिवेट मी ऑल्सो, तो थैंकिंग यू। बहुत बढ़िया लगेगा, आप सब देखते हैं मेरा वीडियो, और ये आपको कुछ ना कुछ नया डे टू डे तो दे नहीं पाता मैं, मिलता रहेगा। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।